लोअर बॉडी का फैट लॉस करना है बहुत आसान योग क्रिया बता रही हूँ, जो आपका लोअर बॉडी का फैट लॉस भी करेगा और आपकी बॉडी को शेप में भी लाएगा। प्लस ये जो लोअर टमी निकल गई है ना, ये भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत आसान है, रेगुलर करना है और कम से कम 1 मिनट के लिए इस तरीके से वॉल के पास लेटना है, सपोर्ट लेते हुए लोअर बैक को ऊपर की तरफ उठाना है और कमर से एक बार राइट एक बार लेफ्ट इस तरीके से 100 टाइम्स आपको ट्विस्ट करना है। आप देखोगे बहुत अच्छा स्ट्रेच है और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपका जो लोअर बॉडी है शेप में आएगा, फिट होगा, फैट लॉस भी होगा और लोअर टमी भी आपका फिट होगा। आपको अपर बॉडी का फैट लॉस करना है, अपर बैक का फैट लॉस करना है, दो योग क्रिया बता रही हूँ रेगुलर करके। सबसे पहले इस तरीके से आपको आना है, दोनों हाथों में गैप और एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड इस तरीके से आपको 50 टाइम्स करना है। और इसके बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथों को इस तरीके से रखना है और ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ऐसा आपको 50 टाइम्स करना है। आप देखोगे पहली ही बार में आपको स्ट्रेच आएगा और धीरे धीरे आपका जो अपर बैक का फैट है वो भी खत्म होने लगेगा, अपर बॉडी भी आपकी फिट होने लगेगी। आप भी सर्वाइकल या माइग्रेन के दर्द से परेशान है, एक योग क्रिया बता रही हूँ रेगुलर कर लीजिए, पहली बार में ही आराम आएगा। इस तरीके से बेड पे सीधा लेटना है, जैसे आप शवासन में लेटते हो ना इस तरीके से लेटना है, लेकिन नेक को पीछे ड्रॉप कर देना है और बिल्कुल सीधा पूरा ध्यान सांसों पे। यहाँ पे आपको कम से कम 1 मिनट तक लेटना है। शुरुआत में जो अगर आपको सर्वाइकल ज्यादा पड़ा हुआ है ना तो आपको हल्का दर्द हो सकता है, लेकिन वो ठीक होने से पहले जो स्ट्रेचिंग वाला आता है ना वो आएगा, बट फर्स्ट टाइम में ही आपको आराम मिलेगा। इस तरीके से लेटना है, पूरा ध्यान सांसों पे, क्योंकि सांसें कंट्रोल में रखना इसलिए जरूरी है, अगर आपकी सांसें कंट्रोल में होंगी तो आपकी इंद्रियां शांत होंगी, जो नसें हैं वो शांत होंगी और आपको फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा बहुत रिलैक्स फील होगा। और ऐसा रेगुलर करने से जो आपका सर्वाइकल है या माइग्रेन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा रेगुलर कम से कम 2 मिनट तक करिए और जब भी आपको दर्द हो सर्वाइकल का या फिर माइग्रेन का ऐसा आप लेट सकते हैं, आपको तुरंत आराम मिलेगा। बच्चों की हाइट को लेके परेशान है, आपको एक आसन बता रही हूँ रेगुलर कराइए बच्चों से, उनकी हाइट बहुत अच्छी निकल के आएगी। इस तरीके से ऐसा कम से कम 30 टाइम्स करना है और उसके बाद दोनों फिंगर इंटरलॉक, ताड़ासन, हाथों को ऊपर खींचिए और पैरों को ऊपर उठा के होल्ड। यहाँ पे आपको कम से कम 10 सेकेंड और अगर रुक सकते हैं तो 1 मिनट तक धीरे धीरे आपको होल्ड करना है और फिर धीरे से वापिस। ऐसा रोज कराइए बच्चों को, बहुत आसान है लेकिन बहुत बेनिफिट देगा, बहुत अच्छी हाइट आपके बच्चों की आ गई है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सुपर सब्जी लेके आई हूँ जो गर्मियों में आपको ठंडा रखेगी, आपके फेस को ग्लो कराएगी, बालों के लिए अच्छा है, फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, जिसकी मिठाई भी बनती है। आप समझ गए होंगे मैं पेठे की बात कर रही हूँ, व्हाइट पेठा। सुबह सुबह खाली पेट व्हाइट पेठे का जूस 1 ग्लास रोज पीने से 1 हफ्ते के अंदर आप देखोगे आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपके बाल हेल्दी होंगे, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो रेगुलर गर्मियों गर्मियों आपको ये पीना है, सर्दियों में मत पीना, इसकी तहसीर जो है ठंडी होती है, तो सर्दियों में अगर आप पियोगे सर्दी गर्म हो सकता है, आपको कोल्ड हो सकता है, तो गर्मियों गर्मियों में पीजिए, आपको ठंडा भी रखेगा, लू से बचाएगा और आपका फैट लॉस में भी बहुत हेल्प करेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना ट्रैवल करते हो तो फिट कैसे रह पाते हो, मैं चाहे जहां पे भी हूँ सबसे पहले उठ के सूर्य नमस्कार करती हूँ और प्रोटीन लेती हूँ, जिससे मेरी डाइट में कभी भी प्रोटीन कम ना हो। 5 सालों से मैं रियल वे का प्रोटीन ले रही हूँ जो मुझे फिट रखता है, हेल्दी रखता है। आप भी अगर रियल वे का प्रोटीन लेना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप बाय कर सकते हैं।